हेलो फ्रेंड्स, कुमुदनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। ऐसा खट्टा रसीला चटपटा आचार जिसको महाराष्ट्र मुंबई में लोनचा बोलते हैं, आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स बनाना। तो ये देखिए, छोटी छोटी ये कैरियाँ हैं। अभी इस सीजन में कच्ची कैरी बहुत जगह मिल रही है, कच्चा आम, तो धो लिया है मैंने उसको और इस तरीके से काटना शुरू किया है लंबे पीसेस में। गोल गोल नहीं काटना है फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं काट रही हूँ इसी तरीके से काटना है, ताकि ये जो लोनचा जिसको बोलते हैं, ये बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। आराम से आप 3 महीने से 6 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। और बनाना बोले तो 5 मिनट का समय इसको लगता है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में मैं काट रही हूँ और उसके बीच की जो गुठली है उसको निकाल दिया मैंने। तो देखिए, ये इस तरीके से मैं काट रही हूँ। आप इस तरीके से काटेंगी तो आपका अचार बहुत जल्दी घुल जाएगा और गल भी जाएगा। जो आपको आप आम का अचार बनाते हैं तो बहुत समय लगता है, लेकिन इस अचार को बनाने के लिए आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो देखिए, इस तरीके से मैं ये पतला पतला काट रही हूँ। देख लीजिए, ये बहुत ईजी है। आपके पास कोई भी कच्चा आम हो, चाहे दशहरी, चाहे हापुस, चाहे तोतापुरी, चाहे गांव का लंगड़ा आम, कोई भी आम हो, आप मेरे इस तरीके से भी काट के निकाल सकते हैं जैसे मैं काट रही हूँ। लेकिन फिर ये जैसे मैंने काटा था पहले, वो बहुत ही आसान तरीका है आम काटने का, इस तरीके से लंबी लंबी फलियों वाला। देखने में तो बहुत सुंदर लगता है और खाने में इतना अच्छा लगता है कि पूछिए मत। आप इसको किसी भी रेसिपी के साथ खा सकते हैं, दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, या फिर किसी भी, बोलिए तो किसी भी रेसिपी के साथ में आप इसको खा सकते हैं, किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं, पराठे वगैरह के साथ, भटूरे के साथ, जैसे आपका मन करे। तो देखिएगी, इस तरीके से मैंने पूरा जो हमारा आम था इस तरीके से काट रही हूँ। फिर से देखिए, आपको चाहे आप उस तरीके से काटिए चाहे इस तरीके से काटिए। अगर आपका आम बहुत ही ज़्यादा कड़क है तो आप इसको हल्का सा एक भाप भी दे सकते हैं, उबाल भी सकते हैं, उससे क्या होगा ये थोड़ा नरम। आज जो ये आपको लोनचे की रेसिपी बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये बनने में एकदम आसान है। 5 मिनट में आपका अचार बनके रेडी हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बस जो मेहनत है वो काटने में है, या फिर आपके पास कटर वगैरह है तो उससे काट लीजिए, और भी आसान हो जाएगा। और इस तरह से छोटी छोटी फलियाँ रहेंगी ना तो बेस्ट भी नहीं होगा और ये सब यूज में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, नए हैं, तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहाँ से आप मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए, मेरी सभी ये कच्चे आम की कटिंग हो चुकी है। अब मैं इसको एक बर्तन में रख रही हूँ, देख लीजिए इस तरीके से। बहुत आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो भी मैं सामग्री डालूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है और 1 चम्मच हींग डाल दिया है। 2 चम्मच इसके अंदर ये काश्मीरी लाल मिर्च है फ्रेंड्स, जिसको मैं ऐड कर रही हूँ। और थोड़ा सा इसको इस तरीके से हम चला देंगे ताकि ये लालपन जो है ना काली मिर्ची का, वो दिखने लगेगा। अब इसमें 1 कप जितना तेल मैं गरम करके रख रही हूँ, गरम गरम ही तेल डालेंगे फ्रेंड्स, ताकि ये हमारा अचार अगर धूप नहीं भी दिखाए तो भी 6-7 महीना आराम से जाएगा। जितनी क्वांटिटी में आप बनाएंगे ना फ्रेंड्स, उतनी क्वांटिटी में ये चलेगा। तो देखिए, हमारा तेल मैंने अच्छे से एकदम गरम कर लिया है और गर्मा गर्म तेल में मैं 1 चम्मच ये हमारा अचार का मसाला डाल रही हूँ। अचार के मसाले में जो भी सामग्री मैंने यूज की है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर हमारा ये अचार दिख रहा है, और ये तेल गर्म है फ्रेंड्स, इसलिए ये जो आम है ये थोड़ा थोड़ा इसमें देखिए गलने लगा है, पिघलने लगा है। तो है ना लाजवाब ये रेसिपी, देखने में सुंदर और बनाने में बहुत ही आसान। तो देखिए, मैं इसको आपको एक प्लेट में करके दिखा रही हूँ, दिख रहा है एकदम लाजवाब दिख रहा है ना फ्रेंड्स। चाहे पराठा से खाइए, चाहे पूरी से खाइए, या दाल चावल से खाइए, या फिर जैसे मन करे वैसे खाइए। एकदम सुंदर लाजवाब, मन को ललचाने वाला हमारा ये लोनचा
बनाना बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही चटपटा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बन चुका है। फिर से मैं एक बर्तन में पलट दूंगी और इसको सिर्फ 2 घंटे के लिए रख दूंगी। तो गर्म तेल की गर्मी की वजह से देखिए किस तरह से पिघल गया है। बस घंटों का काम मिनटों में। तो इसको एक डब्बे में पैक करेंगे और भर कर रख देंगे। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, ज़रूर कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लोंचा बनाना बहुत आसान है फ्रेंड्स, बनाइए खाइए और कमेंट कीजिए किस शहर से देख रहे आप मेरी रेसिपी, कैसी लगी ये आसान सी रेसिपी मैंगो की। ज़रूर मुझको कमेंट करके बताइएगा, भूलिएगा मत। तो देखिए ये मेरे एक डब्बा ये पूरा भर कर तैयार हो गया है और जब चाहे तब हम इसको खा सकते हैं फ्रेंड्स। देखने में सुंदर, खाने में लाजवाब, क्योंकि सुंदर रहता है तभी तो हम खाते हैं फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, है ना एकदम चटाचट मस्त वाली लोंचा।